नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेन के एक नए नियम के बारे में। जब कभी आप रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो आपको एक बात जरूर सुनाई देता होगा, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, इसे गंदा ना करें। ठीक उसी तरह रेलवे आपकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखता है। जब आप यात्रा कर रहे हों या फिर आप रेलवे स्टेशन पर हों, रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ उसके आरामदायक सफ़र की बात करता है और इस तरह की सुविधा मुहैया भी करवाता है। बता दें कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल लोगों को जागरूक करने के लिए काफ़ी खर्च भी करता है, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें और अपने जीवन की रक्षा कर सकें। लेकिन इन सब के बीच में कई ऐसे लोग हैं जो रेलवे के इन नियमों का पालन तक नहीं करते और ऐसे में उनकी जान चली जाती है। आपको आए दिन ऐसे लोग दिख जाते होंगे जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर दौड़ती ट्रेन के साथ सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इस चक्कर में उनकी जान चली जाती है और यह उनके जीवन का आखिरी सेल्फी फ़ोटो होता है। इन्हीं लोगों के लिए रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लोगों को जागरूक करने के लिए अपील किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सावधानी में ही समझदारी है, रेल पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना जानलेवा हो सकता है, ध्यान रखें, ऐसा करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना या साथ में 6 महीने का जेल हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं प्लेटफॉर्म पर सेल्फी लेने को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले तो यह एक कानूनी अपराध है। रेलवे ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेलवे लाइन और प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा या फिर दोनों भुगतना पड़ सकता है। इस तरह रेल के कानून के तहत किसी भी रेल संपत्ति में बिना इजाज़त प्रवेश करने और रेल परिचालन में बाधा डालने वाले इस अपराध के तहत बाकायदा सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस क्रम में पिछले दिनों रेल प्रोटेक्शन फोर्स ने दिल्ली के साथ साथ कई इलाके में जो है इस तरह के अभियान चलाया, जिसमें कि 100 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें जो है चालान भी काटा गया। इस रेल संगठन के साथ कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने रेलवे के इस कार्य को लेकर एक तो धन्यवाद भी दिया है, दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा है कि शहरी आबादी वाले क्षेत्रों में रेलवे लाइन के दोनों तरफ दीवार या फिर फेंसिंग लगानी जानी चाहिए, जिससे कि रेल संपत्ति में ट्रेस पास की घटनाओं में कमी आ सके और इस तरह की दुर्घटनाएं भी कम होंगी। हमारी ओर से जल्द ही इस बाबत चिट्ठी लिखी जाएगी, यानी कि रेलवे संगठन ने जो है इसके जो कर्मचारियों का संगठन है और कई तरह की और भी संगठने हैं जो कि लगातार इस तरह की बातों को लेकर वह सरकार को चिट्ठी लिखने की बात कर रही है। हालांकि रेलवे की तरफ ने साफ तौर पर यह हिदायत दी है कि अगर आप पटरी या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ती ट्रेन के बीच में अगर आप चाहते हैं कि सेल्फी लें तो इसको लेकर जो है उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दिया है, नियम जारी कर दिया है, जिसके तहत आपको जो है 1,000 की सज़ा या फिर 6 महीने का कारावास हो सकता है या फिर दोनों चीज़ें जो है आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो ये थे रेलवे से जुड़े नए नियम। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।